बहुत समय पहले दूर अंतरिक्ष में चंदापुर नाम का एक ग्रह हुआ करता था। उस ग्रह के ऊपर 7 चांद रहते थे। वह सातों भाई बहुत ही बुरे और घमंडी थे। वह सभी हमेशा अपने ग्रह में गंदगी फैलाते थे और साथ ही वह किसी की बात नहीं मानते थे। फिर एक दिन उन सातों से नाराज होकर उस ग्रह का राजा उन सभी को ग्रह से बाहर निकालने का फैसला कर लेता है। तुम सातों की वजह से यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, चलो तुम सब यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम सबको पकड़कर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। उसके बाद मजबूर होकर सातों चांद चंदापुर ग्रह को छोड़कर पृथ्वी पर आसरा ढूंढने चले जाते हैं। तभी उन्हें पृथ्वी पर एक खूबसूरत जंगल दिखाई देता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ चारों तरफ तरह तरह के फल लगे हैं और साथ ही यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत और ठंडा है। आज से हम सब यहीं रहेंगे। फिर उस दिन से वह सातों उस जंगल में रहने लगते हैं। वे सभी बहुत ज्यादा खाना खाते थे, इसलिए वहाँ जंगल के सभी फलों को तेजी से खाना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान कुछ गांव वाले जंगल में फल तोड़ने आते हैं। सभी चांद को फल खाते देख उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ये सब क्या है, अचानक जंगल में 7 चांद कहाँ से आ गए? ये सभी तो हमारे फल खा रहे हैं। तभी एक आदमी आगे जाकर उन सभी चांद से कहता है, तुम सब हमारे जंगल के फलों को क्यों खा रहे हो? हम सब गरीब गाँव वाले है, जंगल के फल तोड़कर बाजार में बेचते हैं, इसी से हमारा गुजारा चलता है। चलो तुम सब यहाँ से जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। देखो बेकार की बातें करके हमारा दिमाग खराब मत करो, हमें ये जंगल बहुत पसंद है। आज से हम सातों इसी जंगल में रहकर फल खाएंगे। तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर सभी गाँव वाले गुस्सा होकर डंडे से सभी चांद को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी सारे चांद एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अगले ही पल वे सभी आपस में जुड़कर एक विशाल डायनासोर के रूप में बदल जाते हैं। फिर वह डायनासोर अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है। यह देख सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप, ये सभी चांद तो आपस में जुड़कर डायनासोर बन गए। इससे पहले कि ये डायनासोर हमें मार के खा जाए, चलो सब अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। उसके बाद सारे गांव वाले घबराकर वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वह डायनासोर फिर से 7 चांद के रूप में बदल जाता है। इस तरह वे सभी चांद उस जंगल पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। आज मैं सुबह सुबह सैर करने गया था, तब मुझे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। उस नदी में ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, चलो हम सब नदी में जाकर मछलियाँ खाते हैं। यह सुनकर सभी चांद खुश हो जाते हैं। उसके बाद वे सभी उस बड़ी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उस वक्त नदी में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। चलो तुम सब भागो यहाँ से, आज के बाद इस नदी पर हम सातों का कब्जा रहेगा। अरे तुम सब अचानक कहाँ से आ गए, इतने सारे चांद तो मैंने आज तक नहीं देखे। हम सब चंदापुर से आए हैं, हमें मछलियाँ खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम इस नदी की मछलियाँ खाने आए हैं। हम पर दया करिए, मछली पकड़कर बेचने से हमारा पेट भरता है, दया करके इस नदी पर कब्जा मत करिए। उसके बाद वहाँ मौजूद सभी मछुआरे उन सातों चांद से विनती करने लगते हैं, लेकिन वह सातों बहुत ही घमंडी और निर्दयी थे, इसलिए वह मछुआरों की विनती नहीं मानते। फिर अगले ही पल वे सभी अपने आप को आपस में जोड़कर एक विशाल डायनासोर के रूप में बदलकर उन मछुआरों को डराना शुरू कर देते हैं। अचानक इतना बड़ा डायनासोर देख सारे मछुआरे घबराकर भाग निकलते हैं। उसके बाद सभी चांद अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर वे सभी अपनी जादू शक्ति से वहां एक नाव प्रकट कर देते हैं। उस नाव के ऊपर 2 बड़े-बड़े हाथ जुड़े हुए थे। वह दोनों हाथ पानी के अंदर जाकर मछलियां पकड़कर नाव पर रखने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी नाव मछली से भर जाती है। उसके बाद वह सातों चांद वही पास में आग जला लेते हैं। फिर वे सभी मछलियों को आग में भूनकर खा लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल के पास वाले गांव के लोग फल और मछलियां बेचकर ही अपना गुजारा करते थे, लेकिन दोनों जगह उन घमंडी चांदों का कब्जा हो गया था। इस वजह से सभी गांव वाले पैसे नहीं कमा पा रहे थे और धीरे धीरे वे सभी गरीबी की मार झेलने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में
गांव वालों के घर के सारे पैसे और अनाज खत्म हो जाता है। जब से वह घमंडी चांद जंगल में आए हैं, तब से हम सभी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने जंगल और नदी पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। हाँ भाई, उन सातों की वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन गई है। हमें कोई ना कोई तरकीब लगाकर उन सभी को पृथ्वी से भगाना होगा, वरना हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मैंने सुना है दूर समुन्दर के किनारे गोगा नाम का एक जादूगर रहता है। वह बहुत ही दयालु है। चलो उसके पास मदद मांगने चलते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले गोगा जादूगर के पास मदद मांगने पहुंच जाते हैं। हमारे गांव के पास आसमान से सात चांद आ गए हैं। वे सभी चांद बहुत बुरे हैं। उन्होंने हमारे जंगल और नदी पर कब्जा कर लिया है। दया करके हमारी मदद करिए। ओए क्या कहा, सात चांद? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अचानक वह चांद कहाँ से आ गए? वे सभी चंदापुर नाम के ग्रह से आए हैं। सातों बहुत घमंडी है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा तो ये बात है, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और मैं तरह तरह के मंत्र भी जानता हूँ। मैं उन सभी चांद को पृथ्वी से हमेशा के लिए भगा दूंगा। उसके बाद गोगा जादूगर अपनी जादुई शक्ति से एक बहुत बड़ी चारपाई प्रकट कर देता है। उसके बाद वह उस चारपाई के ऊपर बैठ जाता है। फिर जादूगर के मंत्र पढ़ते ही चारपाई हवा में उड़ते हुए जंगल में चली जाती है। उस समय सातों चांद एक मासूम भालू और उसके परिवार को बिजली के झटके देकर परेशान कर रहे थे। यह सब देख गोगा जादूगर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। देखो मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो वापस अपने ग्रह पर चले जाओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। लेकिन अगले ही पल वे सभी चांद आपस में जुड़कर फिर से डायनासोर का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद वह डायनासोर जादूगर के ऊपर आग उगलना शुरू कर देता है। लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। वह फौरन अपने मंत्रों से एक बड़ा केकड़ा प्रकट कर देता है। फिर वह केकड़ा हवा में उड़कर सीधा डायनासोर की गर्दन को पकड़ लेता है। आ, मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। उसके बाद जादूगर मंत्र पढ़कर डायनासोर के ऊपर राख फेंक देता है, जिससे डायनासोर के शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते वह जलकर पूरी तरह गायब हो जाता है। इस तरह उन सभी सातों घमंडी चांद का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करने वाले बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।